हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि हम हमारे बेबीज को खाना कब स्टार्ट कर सकते हैं। सो काफी पेरेंट्स जो है ये अपने बेबीज को राइट एज में खाना स्टार्ट करते हैं, बट कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें पता नहीं होता है कि खाना कब स्टार्ट करना चाहिए, एंड वो जो है इस प्रोसेस को बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं। जब भी वो खाना खाते हैं तो बेबी को एक दो स्पून दे देते हैं, कभी कभी चटा देते हैं कुछ अलग अलग चीजें, तो उन्हें लगता है कि ऐसा करने से बेबी बहुत जल्दी यूज टू हो जाएगा और खाना खाना स्टार्ट करेगा। बट ऐसा करना गलत है, इससे बेबी के डाइजेस्टिव सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो ऐसी गलती हम नहीं कर सकते। इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, जहाँ समझेंगे क्या है वो राइट एज जब हमें हमारे बेबीज को जो है खाना स्टार्ट करना चाहिए, यानी सेमी सॉलिड इंट्रोड्यूस करना चाहिए, एंड बॉडी जो है ये काफी सारे साइंस एंड सिम्टम्स देती है, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो एक आइडियल एज जो है टू स्टार्ट सेमी सॉलिड यानी खाना इज 6 मंथ, यानी 6 महीने के बाद ही आप जो है आपके बेबी को जो है खाना इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, सेमी सॉलिड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके पहले आप प्लीज इंश्योर कीजिए कि आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड ही दे, अगर आपका बेबी फॉर्मूला फीड ले रहा है तो फॉर्मूला फीड, ताकि कि उसका जो ये फुल प्रोसेस है ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम मिल्क टू सेमी सॉलिड भी बहुत स्मूथली हो जाता है जब आप 6 मंथ के बाद स्टार्ट करते हैं। बट ऐसे कुछ सिचुएशंस होते हैं या कुछ पेरेंट्स जो है जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं बिकॉज वेरियस सर्कमस्टेंसेस, जैसे कोई मदर है जो मैटरनिटी के बाद ऑफिस ज्वाइन करना चाहती है 6 मंथ के बाद, तो शी थिंक्स कि मैं पहले ही स्टार्ट कर लूँ ताकि के जो वो है अपने वर्क प्लेस पे स्मूथली जा सके। सो इन दैट केस आप 4.5 to 5 मंथ के दौरान आप अपने बेबी को जो है सेमी सॉलिड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एंड उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके पहले आपको सिर्फ मिल्क ही एज फूड सोर्स बेबी को प्रोवाइड करना चाहिए एंड नॉट एनी अदर थिंग। सो अब बात करते हैं क्या है वो साइंस एंड सिम्टम्स जो बॉडी शो करती है, जिससे हमें आइडिया लग जाती है कि बॉडी जो है अभी पूरी रेडी हो गई है टू हैव फूड। सो सबसे पहला साइन है कि वो ये चेक करना है कि बेबी का हेड बैलेंस हो रहा है कि नहीं, जो लगभग 4 महीने तक इजीली बेबी अपना हेड जो है वो बैलेंस कर लेते हैं, तो आपको वो चीज ध्यान में रखनी है, उसके बाद ही आप खाना स्टार्ट करें, बिकॉज हेड का बैलेंस होना बहुत जरूरी है ताकि जो खाना आप खिलाए वो आप उसको बैठ के या रिक्लाइनिंग पोजिशन में खिला सकते हैं, ताकि कि बेबी को चोकिंग की प्रॉब्लम नहीं हो एंड खाना जो है इजीली पेट के अंदर जाके डाइजेस्ट हो सकता है। दूसरी चीज आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि बेबी जो है सारी चीजें मुंह में ले रहा है, जो भी उसके आसपास दिख रहा है, जैसे कोई टॉयज है या अगर आपने उसको पकड़ा है तो बेबी आपके हाथ को या आपके फिंगर को बार बार च्यू कर रहा है, खुद के फिंगर को च्यू कर रहा है, तो ये भी एक साइन है जिससे हमें पता चलता है बॉडी जो है अभी रेडी हो गई है टू हैव फूड। फिर आप देखेंगे एक और साइन कि बेबी जो है आपके खाने में, मतलब दूसरों के मील्स में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, जब आप उसके सामने कुछ खा रहे हैं या वो देखेगा डाइनिंग पे कोई बैठ के कुछ खा रहा है तो वो बड़े क्यूरियोसिटी से उसे देखते रहेगा एंड सोचेगा ये कौन सी चीज है एंड ये मुझे भी चाहिए। तो ये जो क्यूरियोसिटी है ये भी एक साइन है जिससे हमें पता चलता है कि नाउ वी कैन स्टार्ट सेमी सॉलिड टू आवर बेबी। देन एक और साइन है कि आप देखेंगे कि बेबी जो है तुरंत अपने हाथ में अच्छे से चीजें ग्रैस्प कर लेता है, जो पहले अच्छे से पकड़ नहीं सकता था या कुछ जैसे लेने की कोशिश करता था बट नहीं आता था हाथ में, तो आप देखेंगे कि उसकी जो ग्रैस्पिंग पावर है वो भी चेंज हो गई है, तो वो भी एक साइन है जिससे हमें पता चलता है कि बेबी जो है अभी हाथ में कुछ चीजें ले सकता है एंड वो अच्छे से उसे हम फूड जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन कि हम हमारे बेबीज को खाना कब स्टार्ट कर सकते हैं। प्लीज आप जब भी खाना स्टार्ट करें आप ये इंश्योर कीजिए कि खाना जो है वो ऐसे कंसिस्टेंसी का हो जैसे कि मिल्क का है, एंड उसके बाद ही आप धीरे धीरे जो है ये सेमी सॉलिड्स का प्रोसेस एंड ये फुल ट्रांजिशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको इससे कुछ मदद मिली हो। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को हिट कीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए। बहुत ही जल्द मिलेंगे बहुत सारे वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।